एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। सो गाइस, दिवाली सीजन स्टार्ट हो गया है और दिवाली सीजन का मतलब है सेल सीजन। तो फ्लिपकार्ट पे लग चुकी है दिवाली सेल। मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदे कुछ ब्यूटीफुल फेस्टिव कुर्ता सेट्स, कुछ कुर्ताज एंड ऑल्सो सम मेकअप। एंड गाइस, मुझे ये सब मिला एट अनबिलीवेबल प्राइजेस एंड एट सच ह्यूज डिस्काउंट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज डू, बिकॉज सब्सक्राइबिंग इज एब्सोल्युटली फ्री guys, and also it motivates me to bring more videos for you. Aur agar ye video aapko achhi lage then please give it a thumbs up. So let's get started. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले मैंने लिया ये ब्यूटीफुल ब्लैक कलर का कुर्ता सेट। तो मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स लिए वो यही सोच के लिए हैं कि मैं दिवाली सीजन में उनको पहन पाऊँ, बिकॉज अब तो बहुत सारे ओकेजन्स आने वाले हैं। तो गाइस, ये कुर्ता सेट है फ्रॉम द ब्रांड गुलमोहर जयपुर और ये कॉटन है तो डेफिनेटली बहुत कम्फर्टेबल है। सो दिस इज द टॉप। तो मुझे ये पर्सनली जब मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका प्राइस गाइस, इतना बढ़िया इसका प्राइस था। ये पूरा कुर्ता सेट मुझे मिला अराउंड आई थिंक 700 समथिंग और 600 समथिंग। एग्जैक्ट प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, बट डेफिनेटली गाइस, ये इतना स्मार्ट पीस है। इफ़ यू आर गर्ल, इफ़ यू आर मैरिड, अनमैरिड, आई थिंक यू कैन डेफिनेटली गेट दिस वन, बिकॉज दिस इज सो प्रिटी। एंड ब्लैक तो आई थिंक सब पे अच्छा लगता है, सबको ब्लैक फ्लैटर करता है, चाहे डीपर कॉम्प्लेक्शन हो, फेयरर कॉम्प्लेक्शन हो। एंड इस पे गाइस गोटा पट्टी वर्क हुआ हुआ है, सो ये लेस लगी है यहाँ पे और जो गोटा पट्टी वर्क होता है वो हुआ है यहाँ पे। बाकी ये जो है ये गोल्डन प्रिंटेड है। ये जिसकी गाइस 3/4 स्लीव्स है। अपकमिंग दिवाली सीजन के लिए डेफिनेटली गाइस ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर्सनली वांट टू कीप इट वेरी लाइट दिस टाइम। इसका जो पैंट है गाइस वो प्रिंटेड है, इसका पैंट चेक्स में प्रिंटेड है। दिस इज आल्सो कॉटन स्ट्रेट पैंट है, ये प्लाजो पैंट नहीं है ये। सो मेरा गाइस इसमें साइज था आई थिंक एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल, आई एम नॉट श्योर, मैं मेंशन कर दूंगी सब कुछ स्क्रीन के ऊपर। पैंट जो है गाइस वो म्यूटेड पिंक कलर का है और उस पर ब्लैक से चेक्स बने हैं। तो दोनों इन ऑल गाइस, ऑल इन ऑल मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कुर्ता सेट। अगर प्राइस पॉइंट की बात करें, क्वालिटी की बात करें, प्रिंट की बात करें, फेस्टिव वेयर भी है तो इस टाइम के लिए तो काफ़ी अप्रोप्रिएट है। तो डेफिनेटली अगर आप खरीदना चाहते हो तो मेरी तरफ से इट्स अ थम्स अप। इस नेक्स्ट आइटम है ये रेड कलर का कुर्ता सेट, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल। सो मैंने इस टाइम डार्क कलर्स प्रेफर किए, बिकॉज मैं हमेशा न्यूड कलर्स, लाइट कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हूँ, बट आई वॉन्ट टू ट्राई डार्क कलर्स ऑल्सो। और डेफिनेटली फेस्टिव सीजन में गोल्डन, रेड, ब्लैक, ये सब बहुत अच्छा लगता है। गाइस, ये जो रेड कुर्ता सेट है ये गेरुआ का है और ये इसका फैब्रिक है गाइस खादी कॉटन जो होता है ये वो है। तो फैब्रिक तो डेफिनेटली गाइस इसका बहुत अच्छा है। ये जो कलर है ये थोड़ा सा ऑरेंजिश रेड कलर है और इसके ऊपर गोल्डन से ये प्रिंट हुआ हुआ है और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। इसके जो पैंट्स हैं और ये जो कुर्ता है दोनों पे अलग अलग प्रिंट है, बट डेफिनेटली गाइस काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। इसकी स्लीव्स इतनी आती हैं तो वो स्लीव्स अच्छी लगती हैं मुझे, इतनी वाली आई डोंट लाइक। इसका काफ़ी अच्छा है, लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप टॉल हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लैक वाले कुर्ते की भी गाइस लेंथ काफ़ी अच्छी थी, तो इफ़ यू आर टॉल देन डेफिनेटली विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। आई एम 5'3". गाइस ये इसकी पैंट्स हैं, पैंट्स पे इस पर थोड़ा डिफरेंस ऑफ प्रिंट है, बट ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर इस पूरे सेट के साथ दुपट्टा नहीं है, ये जस्ट कुर्ता एंड बॉटम सेट है, तो अगर आप इसके साथ आई थिंक गोल्डन कलर का नेट दुपट्टा पेयर अप करोगे तो गाइस डेफिनेटली आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। बट आई थिंक गाइस ये ऐसा पीस है कि दिस कैन डेफिनेटली बी योर दिवाली आउटफिट इफ यू वांट टू कीप इट लाइट, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी नहीं रखना चाहते हो, बिकॉज डेफिनेटली दिस ईयर तो दिवाली इज गोइंग टू बी अ लिटिल मोर इंटीमेट देन यूजुअल। सो गाइस, इस कुर्ते का प्राइस भी काफी अच्छा था, ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया। आई गॉट दिस फॉर आई थिंक 600 समथिंग और 700 समथिंग, मैं पता नहीं क्यों सारे प्राइजेस एकदम से भूल गई हूँ, बट आई विल डेफिनेटली मेंशन एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। और इस कुर्ते में गाइस मेरा साइज है स्मॉल, तो स्मॉल मुझे अच्छे से फिट होता है, कोई दिक्कत नहीं है स्मॉल में। गाइस ओवरऑल मुझे ये कुर्ता भी बहुत अच्छा लगा एंड दिस माइट बी माय दिवाली आउटफिट आल्सो, लेट्स सी। बट ओवरऑल अगर आप परचेज करना चाहते हो देन दिस वन आल्सो इज अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड। सो गाइस, ये तो हो गए थोड़े से फेस्टिव कुर्ता सेट्स और उसी के साथ मैंने लिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग कुर्ता। सो डेफिनेटली फेस्टिव सीजन आ रहा है, बहुत सारी ओकेजन्स होती हैं, आप हमेशा ही हैवी तो नहीं पहन सकते। और ये है गाइस बहुत ही लाइट, आई थिंक ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगा मुझे। इसका कलर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, आई लव लव पिंक एंड दिस इज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल बेबी पिंक। और इसके ऊपर कोई भी गॉडी और बहुत ज्यादा ओवर द टॉप एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बहुत ही लाइट गाइस। इसके योक पे एम्ब्रॉयडरी है और यहाँ पे व्हाइट बटन्स लगे हैं, तो बहुत ही इन योर फेस कुछ भी नहीं है, बहुत ही लाइट सा है ये। और इसके सिर्फ ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, बाकी सारा ये बिल्कुल प्लेन है। तो काफी लॉन्ग है ये, ऐसे लॉन्ग ड्रेस ही आप समझ लो। अगर आई थिंक अगर आपकी हाइट छोटी है तो शायद आपको इसके नीचे कुछ पहनने की जरूरत भी नहीं है। हाइट अगर आपकी लंबी है, आप देख सकते हो
मुझ पर कितना आ रहा है, बट अगर आपकी हाइट लंबी है देन डेफिनेटली आपको कुछ तो पहनना पड़ेगा, एंड फॉर सेफ्टी पर्पसेज आप कुछ पहन ही लो। इसमें गाइस साइड में स्लिट नहीं है, इसकी स्लीव्स 3/4 स्लीव्स हैं और ये रियॉन फैब्रिक का है। सो रियॉन तो गाइस डेफिनेटली इज अ वेरी नाइस फैब्रिक, पहन के बहुत सॉफ्ट लगता है रियॉन, और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था। दिस वॉज फॉर 449 440, आई एम नॉट श्योर, ऐसे ही था ये कुछ। और गाइस इसमें मेरा साइज था स्मॉल। तो गाइस ये वाला जो पिंक कुर्ता है ये भी गुलमोहर जयपुर का ही है, ये जो ब्रांड है गुलमोहर जयपुर ये इसी का है। मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही इस ब्रांड से कुछ परचेज किया है, बट डेफिनेटली आई थिंक द एक्सपीरियंस इज गुड। गाइस ऐसे तो ओवरऑल ये कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इसका प्राइस काफी अच्छा है, कलर मुझे उसका बहुत प्रिटी लगा, बाकी इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है। ओनली थिंग आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस कुर्ता, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है, बिकॉज कहीं कहीं पे ना मुझे ऐसे दिख रहा है कि इसके धागे निकल रहे हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट, बट जैसे यहाँ पे इसके धागे निकल रहे हैं, तो आई हैव टू पुल इट आउट। तो दैट्स द ओनली थिंग जो मुझे अच्छी नहीं लगी, बाकी ओवरऑल कुर्ता बहुत अच्छा है। अगर इसकी फिनिशिंग भी थोड़ी सी और अच्छी होती तो मुझे और अच्छा लगता, बट आई थिंक गाइस 400 में अब आप क्या ही लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या। बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप परचेज करना चाहते हो देन डेफिनेटली आई थिंक दिस इज अ रियली नाइस ऑप्शन। आप घर पे भी इसको पहन सकते हो, बाहर भी पहन सकते हो, ऑफिस भी पहन सकते हो, कॉलेज में भी पहन सकते हो, छोटी मोटी पार्टीज में भी पहन सकते हो। बहुत कंफर्टेबल पीस है, अगर आप पहनोगे तो आपको पूरे दिन बहुत कंफर्टेबल लगेगा आई थिंक। सो डेफिनेटली अ रियली गुड परचेज, आई रियली लाइक इट, डेफिनेटली विल रेकमेंड इट टू यू गाइस। ये तो हो गई कपड़ों की शॉपिंग। सो कपड़ों के अलावा आई ऑल्सो गॉट सम मेकअप फ्रॉम फ्लिपकार्ट, बिकॉज मेकअप गाइस इतने ज्यादा ऑफ पे था, 50% 60% इवन सम एट 70%, तो डेफिनेटली मेकअप लेना तो बनता ही था, एंड मेकअप तो जितना भी ले लो कम ही लगता है। सो गाइज द फर्स्ट थिंग इन मेकअप जो मैंने लिया इज दिस आई शैडो पैलेट फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा रेव्ड और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आई शैडो पैलेट है वेट एंड वाइल्ड का। मैं इसको लेना चाहती थी बट समहाउ मैं इसको अवॉइड कर रही थी, बट गाइज इस बार ये इतना ज्यादा सेल पे था, आई गॉट दिस फॉर 230 something। सो आई थिंक 230 something पे इतना अच्छा पैलेट ये है। ये अनस्टाजिया बेवेली हिल्स का जो मॉडर्न रेनेसांस पैलेट है ये उसका ड्यूप है, एंड आई थिंक काफी अच्छा है ये पैलेट गाइज, पैकेजिंग भी काफी अच्छी है, और 230 something रुपीज में काफी सारे आपको शेड्स मिल रहे हैं। पैन साइज भी इसका काफी अच्छा है, मैं एक दो शेड्स आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ कि कैसा इसका पिगमेंटेशन है। सो गाइस ये एक कलर है इसमें जो इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लम कलर, और मैं आपको एक इसमें गोल्डन शेड भी है, मैं आपको थोड़ा सा वो भी स्वॉच करके दिखाती हूँ। सो दिस इज द गोल्डन शेड, सो दिस इज द प्लम शेड, दिस इज द गोल्डन शेड, और दो इसमें ट्रांजिशन शेड्स हैं, ये वाला और ये वाला। सो ओवरऑल आई थिंक गाइस इट्स अ प्रीटी गुड पैलेट, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और डेफिनेटली बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। सो गाइस उसके अलावा आई गॉट दिस टू लिपस्टिक्स ऑल्सो, सो एक इज फ्रॉम मेबेलिन एंड द अदर वन इज फ्रॉम मिस क्लेयर। जो मेबेलिन वाली है दिस इज द मेबेलिन न्यूयॉर्क सेंसेशनल लिक्विड मैट रेंज, ये मैंने पहले यूज नहीं करी है, इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट। सो दिस इज लाइक गाइज एन MLBB शेड, एकदम न्यूड शेड है ये, और मैं पता नहीं क्यों हमेशा न्यूड ही इकट्ठे करते रहती हूँ, मेरे पास एक्चुअली बहुत सेम कलर के ही न्यूड हो गए हैं, बट डेफिनेटली दिस वन इज अ रियली प्रिटी। दिस इज लाइक अ ब्राउन पीची काइंड ऑफ न्यूड कलर, मुझे तो काफी अच्छा लगा, फॉर मी दिस इज एन MLBB शेड। सो गाइज ये वाला शेड आई विल ओनली रिकमेंड फॉर फेयरर टू मीडियम कॉम्प्लेक्शन, डीपो कॉम्प्लेक्शन को ये बिल्कुल वॉश आउट करेगा, बट फॉर मीडियम कॉम्प्लेक्शन फेयर कॉम्प्लेक्शन ये बहुत ही ब्यूटीफुल MLBB शेड है, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप डेफिनेटली अगर ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिली थी फॉर ओनली 167 rupees। और इस शेड का नाम है ट्रूली MLBB, एंड डेफिनेटली दिस इज ट्रूली MLBB फॉर मी, इट्स डेफिनेटली ट्रूली MLBB। अगर आप इसको एज ए टॉपर लेना चाहते हो बाकी लिपस्टिक्स को न्यूड डाउन करने के लिए तो आप ले सकते हो, बट अदरवाइज अगर आप डीपर कॉम्प्लेक्शन के तो आई थिंक ये आपको वॉश आउट करेगा। वेरी वेरी मैट लिपस्टिक, बिल्कुल मैट हो जाती है आपके लिप्स पे, तो अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है मैट बहुत ज़्यादा तो यू शुड नॉट यूज़ इट, बट अगर आपको मैट लिपस्टिक्स अच्छी लगती है और डेफिनेटली मॉइस्चराइज करके आप कोई भी मैट लिपस्टिक यूज़ करो वो अच्छे से आप पे वर्क करेगी। गाइस नेक्स्ट है ये मिस क्लेयर की क्रीमी मैट रेंज, और ये मैंने अभी तक खोली नहीं है, तो लेट्स ओपन दिस। दिस शेड नंबर इज 05, तो मैंने ट्राई किया था कि मैं न्यूड कलर ना ऑर्डर करूं, सो आई होप दिस इज नॉट न्यूड। ओके सो दिस इज अ ब्यूटिफुल पिंक कलर, सो गाइज दिस इज लाइक अ वेरी प्रिटी पीची पिंक कलर, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, बहुत ही प्रिटी सा पीची पिंक कलर है। और मिस क्लेयर की लिपस्टिक्स तो गाइज मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत पसंद भी है इनकी लिपस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज इनकी लिपस्टिक्स का बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर होता है, बहुत कंफर्टेबल होती है लिप्स पे, और खुशबू भी
बहुत अच्छी है इसकी। गाइस दैट वाज द लास्ट प्रोडक्ट एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।